हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड शीतल। सो ये वाली वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है। वो कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या हाउस वाइफ है जो घर पे रहती है बट मेकअप नहीं आता है। तो उन सब के लिए अगर आप लोग गेट टुगेदर कर रहे हो, फैमिली में कहीं जा रहे हो, तो उसमें आप लोगों को एटलीस्ट, यार सब लोग इतने अच्छे से बन के आते हैं, एटलीस्ट इतना बेसिक मेकअप तो आना चाहिए कि भाई कोई देखे तो कहे वाओ सी इज लुकिंग नाइस काइंड ऑफ थिंग। तो उसके लिए ना एज अ बिगनर आपको कुछ स्टेप सीखने होंगे कि कौन कौन सी चीजें पहले लगानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें बाद में। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले ना मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया था एंड लुक एट माय फेस, बहुत ज़्यादा ग्लोई भी लग रहा है क्योंकि मैंने मॉइस्चराइजर वगैरह सब कुछ लगा लिया है। तो इसमें मेरा पूरा मेकअप का सामान है, इससे मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने यूज़ करा है परफेक्ट एंड प्राइम प्राइमर, एंड ये ना कितना अमेजिंग है। इनसाइड कॉस्मेटिक का छोटू सा है बट 99 रुपीज़ में इतना ही आएगा, तो सबसे कम रुपीज़ का यही था मैंने देखा था जब 100 रुपीज़ वाला चैलेंज कर रही थी मेकअप का। तो ये है ना काफ़ी अमेजिंग है। और प्राइमर हम यूज़ करते हैं अपने जितने भी ओपन पोर्स हैं उन सबको हाइड करने के लिए, कि आगे जो हम पूरा प्रोसीजर करेंगे, फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे, वो अच्छे से लास्ट करें एंड काफ़ी अच्छा आए शाइनिंग। तो इसके बाद मैंने इलाइट का फाउंडेशन लगाया, ये काफ़ी अच्छा है, 99 रुपीज़ का आया था। और जितना भी पानी था एक्सेस ब्यूटी ब्लेंडर में, वो सारा मैंने निकाल के उसे डैप डैप करके पूरे फाउंडेशन को करना है, क्योंकि आप ना एकदम घिसना मत, एकदम ऐसे ही डैप डैप करके फाउंडेशन को लगाना है। उससे क्या होता है, फाउंडेशन अच्छे से अपनी आपकी जो स्किन है उसमें पेनिट्रेट होता है और वो अच्छा दिखता है। देन इसके बाद मैं ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश क्रीम बेस्ड ब्लश मैं इन्वेस्ट करा करूँ, क्योंकि मेरे को पर्सनल ऐसा लगता है जो क्रीम बेस्ड ब्लश होते हैं वो नेचुरल लगते हैं आपकी स्किन पे, ऐसा नहीं लगता कुछ भी। ऐसा पाउडर बेस्ड अगर एकदम लगा लेंगे ना तो ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा लगा दिया, या कभी कभी ज़्यादा लग जाता है। क्रीम बेस्ड बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है जब पूरा मेकअप हो जाता है, उसके बाद जब थोड़ा फैन ऑफ करते हैं या पाँच थोड़ी देर तक वो पेनिट्रेट होता है स्किन में, स्किन का जो ऑयल होता है वो सिक्रेट होता है, देन आपका जो मेकअप है ना, एक्चुअल मेकअप जो होता है वो तब आता है कि हाँ भाई अब वो अच्छा लग रहा है। देन इसके बाद मैंने ये कॉन्टोर लगा रही हूँ अपने जो भी जहाँ भी मुझे कॉन्टोर करना है। तो बेसिकली मैं ये चिक बोन करती हूँ एंड अपनी जॉ लाइन वगैरह को अच्छे से कॉन्टोर करती हूँ एंड नोज़ पर भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ डेप्थ देने के लिए। एंड जब भी कॉन्टोर लगाते हैं तो उसमें ना आपको कुछ नहीं करना, आपका ये ऐसे स्प्रेड मत करना, जहाँ आपने लगाया वहीं पे ही ब्लेंड करना है। उससे क्या होगा, आपका वही एरिया कॉन्टोर होगा। अगर पूरे में स्प्रेड कर देंगे ना, पूरा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, बहुत ही वाहियात लगेगा। इसलिए जब भी कॉन्टोर लगाते हैं उसी जगह पर करना होता है। एंड जब ये जॉ लाइन का आपका अंदर करना होता है, जिन लोगों की डबल चिन होती है उनकी डबल चिन हाइड होती है, जिन लोगों की नहीं होती है तो उनके ना जॉ लाइन पर थोड़ी डेप्थ आ जाती है, उससे ना बहुत अच्छा लगता है। एंड ये कलर बोर्ड की आई शेडो पैलेट है, उसका जो मैंने ब्राउन कलर लिया है उसे पूरी आई लिड पर लगा दूंगी एंड ये वाला कलर लुक्स ब्यूटिफुल, लुक एट दिस। देन ये आई लैसेस कर्लर है, इससे मैं थोड़ी बहुत आई लैसेस कर्ल करूँगी। देन इसके बाद मैंने अपनी आईब्रोज पहले भी फिल कर रखी थी लेकिन थोड़ी सी बची हुई थी, उसको अच्छे से फिल कर लूँगी। तो आईब्रोज ना मेरे को लगता है मेन फीचर होता है पूरे फेस का, अगर आईब्रोज हटा दोगे ना बहुत अच्छी फेस हो जाएगा आई गेस। एंड इसके बाद मैंने काजल लगा रही हूँ, ये है ब्लू हेवन का काजल था। ये ब्लू हेवन के तीनों चारों प्रोडक्ट ब्लू हेवन के हैं, जो 382 में आए थे चार प्रोडक्ट, आई गेस 100 रुपये से भी कम का पड़ गया है, इस वजह से मैंने लिया था, कॉम्बो आया था ये। देन ये ब्लू हेवन का मस्कारा लगाऊंगी, ये ना मेरे को काफ़ी ठीक लगा, लाइक अंडर 100 रुपीज़ वाला मस्कारा में ये काफ़ी अच्छा है, थोड़ी बहुत वॉल्यूम भी देता है। एंड इसके बाद ये हाइलाइटर है जो कि 99 रुपीज़ का है एंड इसमें 3 से 4 कलर है, एंड मैंने ये वाला कलर लिया और ये ना बहुत सही लगता है, लुक एट दिस। अभी जब आई कॉर्नर पर लगाऊंगी ना, आई कॉर्नर पर तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है लगा के, एकदम अलग सा आ जाता है। तो ये मेबलिन की लिपस्टिक है, तो मैंने ये वाली थोड़ी न्यूडिस पिंक टाइप की लिपस्टिक लगाई एंड इसके ऊपर मैंने स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक लगाई है। गाइज इन दोनों का ना कॉम्बो बड़ा मस्त आता है, लाइक एकदम न्यूड पिंक टाइप का अच्छा सा टोन आ जाता है। देन ये मेकअप फिक्सर है इनसाइड कॉस्मेटिक का, इसे लगा लेंगे। दिस इज माई फाइनल लुक गाइज, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डाले, जस्ट इन 5 मिनट ये पूरा मेकअप हो गया है।
आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार रहेगा, ट्राई करना। इसमें ना ज्यादा एफर्ट्स लगने ही नहीं है, बहुत इजी होता है मेकअप करना। एंड अगर आप ऑफिस कॉलेज वगैरह जाते हो उसके लिए ना सबसे मस्त मेकअप है, या डे टू डे लाइफ में आप लोगों को मेकअप करना है कहीं जाने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल ना आने से थोड़ा बहुत आना बेटर होता है, और बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा मस्त है। तो एक बार ट्राई करके कॉमेंट करना कि क्या आप लोगों के पास, आप लोगों को कैसा टर्न आउट हुआ है। इवन आप लोग मुझे ना इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर सेंड कर सकते हो मेकअप करके, एंड वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे सब्सक्राइबर को कि ये मेरे सब्सक्राइबर ने मेकअप करा था काइंड ऑफ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरी ये नवरात्रे सीरीज नहीं देखी है, लाइक नवरात्रे मेकअप वीडियो एंड आउटफिट वीडियो नहीं देखी है, वो जाके चेकआउट करो। बाकी आप यहाँ पे मेरी ब्राइडल सीरीज भी देख सकते हैं। तो तब तक बाय, टाटा, सी यू।